दाल में कुछ काला नहीं, पूरी दाल ही काली है। गोपी बेटा, मैं तेरा शुक्रिया अदा कैसे करूं? अगर तू नहीं होती तो मेरा जकी, मैं ये तो समझ में नहीं आता कि मैं जिंदगी भर तेरा एहसान कैसे चुकाऊंगी। अच्छा हाँ, उर्मी जग्गी के लिए खाना और लस्सी लेकर गई है। पता नहीं कब से मेरे बच्चे ने ढंग का खाना नहीं खाया होगा। गोपी, क्या हुआ बेटा, तू परेशान क्यों लग रही है? मासी जी, सच कहूं तो मेरा मन बहुत घबरा रहा है। मुझे घुटन हो रही है, अंदर ही अंदर ये बात खाई जा रही है मुझे कि मैंने माजी से इतनी बड़ी बात छुपाई है। मुझे लगता है मासी जी, मुझे माजी को जाकर सब कुछ बता देना चाहिए। हाँ बेटा, हम लोग भी यही चाहते हैं, पर अभी नहीं। तू भी शांत हो जा और सबसे पहले तो कोकिला का गुस्सा शांत होने दो, उसके बाद ही बताएंगे। क्या हुआ? खाना कैसे खाना खा लूं मामी आंटी, कैसे अपने चंगू मंगू के बिना कैसे खा लूं? उनका तो रो रो के बुरा हाल हो गया होगा, वो सच बता रहा हूं, उन्होंने खाना भी अच्छे से खाया नहीं होगा। मेरा तो मन ही लगता उनके बिना। देखना मामी आंटी, कितने पास है फिर भी कितने दूर है। नहीं मामी आंटी, नहीं, मुझसे खाना नहीं खाया जाएगा। अरे लेकिन चकेड़ा तू। मामी आंटी, बस एक बार उनको देख लूं ना तो मन को मेरी तसल्ली हो जाएगी, मुझे भी उनको भी, भले ही मैं दूर से देख लूं। बस दूर से क्यों, पास से क्यों नहीं? हाँ, अरे गोद में उठा के देखना, प्यार करना। देख चक्की, आज रात तेरी ये मामी आंटी कोई ना कोई जुगाड़ करके तुझे तेरे चंगू मंगू से जरूर मिलवा देगी। चल अब खा ले। अरे वाह, काट से होम बनाने में तुम दोनों एकदम एक्सपर्ट हो गए हो, बहुत अच्छा बना है। प्रतिभा, मेरे पापा ने ही सिखाया है। ओ रियली? फिर तो जब तुम्हारे बड़े पापा ये देखेंगे तो बहुत खुश हो जाएंगे, है ना? पर हमने कैसे दिखाया? अरे क्यों नहीं, तुम जाकर अपनी बड़ी माँ से कहो कि वो तुम्हारे बड़े पापा को जल्दी से घर ले आए। सच्ची? हाँ बच्चा, तुम्हारी बड़ी माँ है ना जो, वो कुछ भी कर सकती है। हाँ ये तो है, चल दे। अच्छे मन के सच्चे दिन आए मेरे अच्छे। अब तो गोपी बहन को इन बच्चों के लिए अपने जग्गी जी को इस घर में वापस लाना ही पड़ेगा। मामी जी, जग्गी जी ठीक तो है ना? हाँ ठीक तो है, लेकिन बच्चों को बहुत याद कर रहा है वो, ठीक से खाना भी नहीं खाया उसने, तो मिलना चाहता है बच्चों से। जय वीरू, क्या हुआ? हमने बड़े पापा से मिलवा दो ना, हमारे बड़े पापा से मिलना है। परिमा प्लीज, मरीमा प्लीज। ए जय वीरू, क्या शोर मचा के रखा है? लाउड स्पीकर खा लिया है क्या, जो इतना तेज से चिल्ला रहे हो? धीरे नहीं बोल सकते? ओ माँ, पहले तू तो धीरे से बोल सोना, फिर बच्चों को सिखामन देना। नानी सासू माँ, आप तो बस ना रहने ही दो। और जय वीरू, तुम दोनों क्या देख रहे हो, चलो यहाँ से। नहीं, मैं बड़े पापा से मिलना है। ए भगवान, बड़े पापा लगा के रखा है, होमवर्क कौन करेगा? तुम दोनों ने अपना होमवर्क भी नहीं किया है, चलो तो होमवर्क करो। गोपी, यहाँ जय वीरू रो रहे हैं और वहाँ जग्गी, ऐसे भी करके आज रात
इन लोगों को तो मिलवाना ही होगा। काकी जी, मैं अंदर आऊं? कहो क्या बात है? काकी जी, वो मंदिर में अखंड ज्योत का घी खत्म होने आया है। और एक्चुअली हमेशा उसमें घी मैं जाकर घी डालकर आती हूँ, तुम जाओ। ठीक है। चकी सुन, मैं थोड़ी देर में घर का मेन दरवाजा खुलवाती हूँ, तो चुपचाप आकर जय वीरू को मिलकर उल्टे पांव वापस चले जाना, समझे? हाँ। ले, मैंने जकी से बात कर ली है, तू भी एक बार बात कर ले। मामी जी, मुझे ठीक नहीं लग रहा। माँ जी से इतनी बड़ी बात छुपा कर हम ठीक कर रहे हैं। अरे पर हम कुछ गलत थोड़ी कर रहे हैं, और जय वीरू की खुशी के लिए इतना तो कर ही सकते हैं ना हम। फिर भी मामी जी, अगर किसी ने देख लिया तो? अरे कोई नहीं देखेगा, सब सो रहे हैं। चल अब ज्यादा सोच मत, बात कर। हेलो, हाँ जगदी जी, आप अंदर आ जाइए, पर आप दरवाजे के बाहर ही रुकिए, मैं भी वहीं आ रही हूँ। वो दरअसल बस तुम्हारी जबान से एक शब्द तो क्या, कुछ नहीं सुनना चाहती हूँ। बात सुनना तो बहुत दूर की बात है, एक बात तुमसे अवश्य कहूंगी। जितना मैं तुम्हें जानती हूँ, मुझे हमेशा से ये विश्वास रहा कि चाहे कोई भी परिस्थिति हो, तुम झूठ नहीं बोल सकती। लेकिन आज तुमने मेरे विश्वास को तोड़ा है, झूठ बोलकर। मर्यादाओं की भी एक हद होती है, लेकिन आज तुमने ये झूठ बोलकर उन मर्यादाओं की हद को भी तोड़ दिया है। जी, मैं आपका विश्वास जीतना चाहती हूँ, तोड़ना नहीं। और देखिएगा, मैं आपका ये विश्वास जीत कर रहूंगी जब मैं अहम जी के असली कातिल को सबके सामने लेकर आऊंगी। मेरे अहम का कातिल तो
तुम्हारे साथ खड़ा है। जब तक इस गुनहगार को सजा नहीं मिलती तब तक मैं अपने पैरों में चप्पल नहीं पहनूंगी। जब तक मेरे स्वर्गवासी बेटे अहम को इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक मैं नंगे पांव रहूंगी। मैं कोकिला मोदी अपनी चप्पल का त्याग करती हूँ। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।